जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी, और आज हम हैं गुड़गांव शहर में। और गुड़गांव शहर में एक ऐसी महिला से हम मिले जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक एक खूबियाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो ये लगी कि इनका नाम मरियम है, और जो धर्म है वो, जो नाम है वो अलग धर्म से संबंधित है, लेकिन इनका धर्म, इनका मार्ग, इनकी सोच बुद्धिस्ट की है। तो हम बात करेंगे कि इनके जो नाम है, या फिर इनके, ये भी मुझे पता चला, ये भी बातें निकल के आई है कि इनके पापा ने इनकी चार बहनें भाइयों का नाम चार धर्मों से संबंधित रखा है। तो क्या उद्देश्य रहा इस चार धर्मों से नाम रखने का, आइए बात करते हैं। जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपके पिताजी ने आप सभी भाई बहनें का नाम रखे थे चारों धर्मों से रिलेटेड, आखिर क्या उद्देश्य रहा इस, मतलब इस नाम का? नमस्कार आप सभी का, मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ जी, जो मुझे बोलने का अवसर दिया आप सबने। और जैसा कि रोशनी जी ने बताया अभी कि मेरा नाम मरियम है, हाँ कुछ लोगों को सुन करके सबसे पहले यही होता है कि मैं मोमडन होंगी, कईयों को ये भी फील होता है कि मैं शायद क्रिश्चियन होंगी, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी मरियम नाम लिया जाता है और मुसलमानों में भी ये नाम लिया जाता है। लेकिन हम चार भाई बहन हैं और मेरे पापा ने चारों भाई बहनों का नाम इसी तरीके से रखा था। सबसे बड़े वाले जो मेरे भाई हैं उनका नाम है मलकीत, जो कि सिखों में होता है। उसके बाद मैं हूँ मरियम, जिसका नाम क्रिश्चियन रखा गया है, क्रिश्चियन जो कि यीशु मसीह थे, क्रिश्चियंस के जो गॉड थे उनकी मदर का नाम था मरियम। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर हैं शबनम शाहिद, उनका नाम मुसलमानों के नाम पे रखा गया है। और जो सबसे छोटे वाले भाई हैं उनका नाम यशवर्धन, एक हिंदू नाम रखा गया है। तो उनका नाम रखने का उद्देश्य यही था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार अलग अलग धर्म हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हम सभी चारों भाई बहनों का नाम रखने का यही उद्देश्य था कि सभी एक साथ मिलजुल करके इकट्ठे रहें। क्या नाम का जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य अब दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम चारों भाई बहनों को हमारे पेरेंट्स हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें एक यूनिटी में इकट्ठा होकर के रहना है। कि हमारा नाम बेशक अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग रखा गया है, लेकिन हमारी पहचान एक है, हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान की तरह हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।